बेटियां उसी घर में होती हैं जो घर भगवान को पसंद होता है। बेटियां सभी के नसीब में कहाँ होती है, घर खुदा को जो पसंद आए वहाँ होती है बेटियां, घर की रौनक होती है बेटियां। तो आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर का शाम का ब्लॉग है और हमारी प्यारी सी बेटी की मतलब बर्थडे है, मतलब मेरी देवरानी की बेटी की बर्थडे है। तो आज हमारी बिटिया रानी 12 साल की पूरी हो चुकी है। कब बच्चे बड़े हो जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है, कब बेटियां बड़ी हो जाती है कुछ पता नहीं चलता है। और यहाँ पे केक कटिंग हो चुकी थी और सभी ने इंजॉय किया, बर्थडे सेलिब्रेट सबने अच्छे से किया और उसके बाद से सबने केक खाए, सबने एक दूसरे को केक भी लगाए। होता है ना, एक बचपन की यादें ही रह जाती हैं। तो हमारी शीतल का आज बर्थडे है, 2 अक्टूबर को ही वो हुई थी रात के समय और आज 12 साल की पूरी हो चुकी है। और यहाँ पे ना मतलब सब एक दूसरे को ना केक लगा दिए थे, तो वो मेरे को भी लगाए थे तो मैं फेस धो के आई। यहाँ पे मेरी बिटिया रानी आप लोग को केक खिला रही है, तो आप लोग आशीर्वाद भरपूर दीजिएगा हमारी शीतल को कि वो थोड़ी बड़ी हो और मतलब अपनी ज़िंदगी में तरक्की करें। आप लोग आशीर्वाद भरपूर दीजिएगा अगर ये वीडियो देख रही हूँ तो। और यहाँ पे हमारी बिटिया रानी को सब्र नहीं हुआ था तो अपना गिफ्ट सारा खोल के दिखा रही है। उसके बाद मैं केक कटिंग के बाद फिर मैं ऊपर चली आई और यहाँ पे आलू और मेथी को मैंने साफ़ करके कट करके रख लिया था अगले दिन बनाने के लिए। और किचन को भी मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया। मैक्सिमम अभी 10 बजने को जा रहे हैं और मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू हो जाएगा। बस मुझे सुबह उठना है और थोड़ा गैस थोड़ा अच्छे से कपड़े से बस भिगो के कपड़े से और साफ़ सुथरा कर दूँगी। तो बस अब मैं यहाँ पर प्लेट लेने आई थी मतलब ढकने के लिए कुछ में पड़ ना जाए, तो यहीं पे मैंने ढक के रख दिया। और फ्रिज को भी मैंने आज अच्छी तरह से नीट और क्लीन साफ़ कर दिया था क्योंकि नवरात्रि के सब सामान रखे हुए हैं और यहाँ पे मैंने सब सामान धो के ही रखे हैं। वो टमाटर वगैरह मिर्च और जो भी फल फ्रूट है वो सब मैंने धो के रखे थे। और आज है नेक्स्ट डे, तो मंदिर की सफाई भी मैंने अच्छी तरह से कर दिया है क्योंकि कल ना ग्रहण भी था, सूर्य ग्रहण रात को लगा हुआ था तो और ऊपर से पितृपक्ष चल रहे थे। सुबह ही उठ के झाड़ू वगैरह और पूरे घर में पोछा वगैरह करके और नहाने के बाद मैंने गंगा जल पूरे में छींटे, बिस्तर वगैरह सब मैंने हटा दिए हैं क्योंकि ना पितृपक्ष चल रहे थे, फिर नवरात्रि के दिन आज से स्टार्ट हो गया है, इस वजह से सारा कुछ मैंने मतलब बिस्तर वगैरह सब हटा दिया है और हटा देना चाहिए। और मंदिर के भी अच्छी तरह से मैंने सफाई कर दिया है, अब बस मैं अपनी पूजा करूँगी। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ हमारे पूरे परिवार की तरफ से। आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे मैंने ज्योत मतलब प्रज्वलित कर लिया है। तो मैंने अखंड ज्योत नहीं जलाई हूँ क्योंकि ऊपर पंखा चल रहा है ना, इस वजह से बुझ ना जाए इसलिए मैं स्टैंड लगा रखी हूँ क्योंकि अभी बच्चे वगैरह सो ही रहे हैं। और यहाँ पे माता को श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर दिया है, एक लोटा जल मतलब रखा है माता के पास, उसमें लौंग डालकर। और क्या कहते हैं, मैंने कलश स्थापना नहीं किया है क्योंकि हमारे में ना कलश स्थापना नहीं किया जाता है। और बतासे और लौंग इलायची का मैंने भोग माता को अर्पित किया है और हम मेरे पास वैष्णो माता की ही तस्वीर है तो इन्हीं की मैं पूजा कर रही हूँ। तो वैष्णो माता को मैंने चुन्नी और चूड़ियाँ इनको पहना रखी है, माला पहना रखी है। और क्या कहते हैं, हमारे में ना कलश स्थापना नहीं करते, मेरे पीहर में होता है, मेरे ससुराल में नहीं होता है। तो जैसे सबके यहाँ रीति रिवाज से होता है उसी तरह मतलब अपने अपने रीति रिवाज से हम लोग करते हैं, अपने जैसे हमारे घराने में होता ना उसी तरह करती हूँ। क्योंकि हमारे में ना गर्मियों में जो नवरात्रे आते ना तो उसमें हमारे यहाँ ना नवमी पूजे जाती हैं, तो उसमें हमारे यहाँ कलश बैठाया जाता है। इस वाले नवरात्रे में हमारे में ना कलश नहीं बैठाया जाता, तो जैसा होता है ना वैसे ही जैसे मेरे घराने में होता है वैसे ही मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ना रोली चंदन माता को अर्पित कर दिया, ठाकुर जी को भी मैंने आज स्नान करवा कर और इनको न्यू कपड़े पहना कर इनको भी मैंने चंदन इत्यादि कर दिया और माता को सिंदूर भी अर्पित कर दिया। और माता को आज ना मैंने 16 जैसे कि सिंगर का सामान है वो भी मैंने अर्पित कर दिया है। और क्या कहते हैं, मैंने पूरे 9 दिन के व्रत नहीं रखे हैं दोस्तों क्योंकि ना मेरा शरीर थोड़ा डाउन है, आजकल बहुत ज़्यादा मेरा शरीर डाउन चल रहा है, तो इसलिए मैं ना पहला और लास्ट का ही मैं करूँगी। तो यहाँ पर मेरे फिंगर में थोड़े बहुत ना सिंदूर लगे हुए थे तो मैंने अपने मांग में भर लिया है।
और आप लोग में से कितने जने हैं जो पूरे 9 दिन के माता का व्रत रखेंगे वो ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि कौन कौन हैं जो पूरे 9 दिन के व्रत रख रहे हैं। और बहुत नसीब वाले होते हैं जो पूरे 9 दिन के व्रत मतलब मिल जाती है करने के लिए। खैर व्रत तो हर इंसान को करना चाहिए और माता की शक्ति ही होती है जो 9 दिन, माता के शक्ति के द्वारा ही 9 दिन का व्रत हर इंसान रखता है। और यहाँ पे मैंने फूल और पुष्प मतलब मैंने अर्पित कर दिया है और उसके बाद से मैं बस सिंपली साधारण तरीके से ही मैंने पूजा किया है पंचोपचार से, और उसके बाद से मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करूँगी और आरती वगैरह करूँगी उसके बाद से। तो पूजा मेरी कंप्लीट हो चुकी है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और एक तरफ मैं मतलब चाय बन चुकी थी तो उसे मैंने हटा दिया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है और मेथी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी जो मैंने कल काट कर रखा था रात को साफ़ करके, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत काम भी रहता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड जी को भी ऑफिस जाना होता है। और बिना लहसुन प्याज का ही मैं बनाऊँगी। तो हींग और जीरा बस डाल दिया है और सूखी मिर्च मैंने थोड़ा मतलब धो लिया था वो भी मैंने तोड़ के डाल दिए हैं और इसी में ना मेथी और आलू धो के रख लिया और इसी को मैं डालूंगी और इसी की सब्जी मतलब बना लूंगी और यही सब इस टाइम खा लेंगे। अब बस मुझे आटा गूंथना गूंथ के रख लूंगी क्योंकि मुझे रोटियां भी बनानी हैं और बच्चों को तैयार भी अभी करनी है, तो बच्चे भी नहाएंगे ही नहाएंगे। तो चले फिर पहले मैं बना लेती हूँ मेथी आलू की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज वाला। और इसी तरह मैं 9 दिन तो ऐसे ही बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनता है, हर किसी के घर बनता हो और बिना लहसुन प्याज का खाना ना नवरात्रि में ना बड़ा अच्छा लगता है, मतलब उसका अलग ही टेस्ट रहता है, बहुत बढ़िया लगता है खाने में। और यहाँ पे मैंने ना मेरा क्या कहते हैं नमक थोड़ा बहुत डाले और हल्दी डाल दिया है और आजकल मैं ना सेना नमक ही यूज कर रही हूँ इसके अंदर भी, क्योंकि मेरा नमक ना ख़त्म हो गया था वो वाला, तो मैंने सेना नमक डाला है। और बीपी के लिए ना सेना नमक बहुत बेस्ट होता है, वो क्या कहते हैं टाटा नमक यूज करते थे ना वो थोड़ा ना तेज़ होता है वो नमक, तो बीपी अगर किसी का मतलब हाई होना तो सेना नमक ना सही रहता है, तो मैं उसी के आजकल ना सेना नमक ही मैं सब्जियों में डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने ना आटा लगा कर मतलब गूंथ कर रख दिया है। और इस तो यहाँ पे मैं सीधा 6:45 आप सभी को शाम को मिल रही हूँ और शाम को समय है मतलब शाम का समय है। और यहाँ पे मैंने शकरकंदी मैंने उबाल के और रख लिया है और एक तरफ मैं ना दाल चावल बैठा रखी हूँ बनाने मतलब शाम के खाने के लिए, क्योंकि सुबह के ना आलू मेथी की सब्ज़ी बची हुई है और पराठे बचे हुए हैं तो वो गर्म कर दूँगी तो ये लोग खा लेंगे। और यहाँ पे बच्चे अपने अपने में लगे पड़े हैं और उसके बाद से मैंने ना दिया बाती करना है, तो बस मैं अब दिया बाती करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपना दिया बाती अपना कर ले रही हूँ शाम का, और उसके बाद से तुलसा जी में ना दिया अर्पित करने जाऊँगी। तो शाम के भी पूजा मैं इसी तरह ही करती हूँ जैसे सुबह करती हूँ ना, उसी तरह ही शाम के भी करती हूँ मैं। तो पहले मैं अपनी पूजा कंप्लीट कर लेती हूँ और तुलसा जी में दिया अर्पित कर आऊँगी, उसके बाद से आप सभी से मिलती हूँ। तो तुलसा जी में ना दिया अर्पित करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और दूध गर्म कर रही हूँ। दूध गर्म करने के बाद थोड़ा ठंडा कर दिया था दूध को और ठाकुर जी को राधा रानी जी को मैं भोग लगा दे रही हूँ और तुलसा जी का पत्ता मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा। तो बस भोग लगाने के बाद फिर मैं ये दूध ना उसी दूध में पलट दूँगी तो सभी पी भी लेंगे और अपने लिए मैं कुछ बना लूँगी। और इनके लिए तो मैं खाना बना दी हूँ, अब गैस पोछ के मतलब गैस मैंने पोछ के ही दूध गर्म किया था, उसके बाद से मैं अपने लिए कुछ बनाऊँगी। तो दोस्तों अब इस वीडियो को मैं यहीं पे ऐड करना चाहूँगी, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी कमेंट से कोई भी सजेशन है तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू पूछ भी सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर, अगर नए हैं तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता।